झारखंड के धरती में दुमका जिला में हमने पैदा लिया है, ये सबसे हमारी बड़ी भूल है। की बात सही है, क्या करे नहीं करे, शब्द नहीं है भविष्य में क्या करना, शब्द नहीं है। वही तो सबसे बड़ा शब्द है कि क्या करे, क्या करे आखिर, इतना पढ़ लिख के जो हम लोग आज बेरोजगार हैं, क्या करे कल दिन अगर नौकरी नहीं हो। ये पेपर लीक क्या है, सरकार चाहे तो क्या से क्या नहीं कर सकती, ये सरकार को सोचना होगा। हमने तो जिंदगी भर सरकारी सेवा करने की सोची है, अब देखिए झारखंड सरकार हमें क्या मौका देती है नहीं देती है, वो तो वही जाने। अब क्या ही करें बताइए, आप ही बताइए हम लोग क्या करें। आखिर झारखंड में पैदा लेना गुनाह है, तो गुनाह है तो हाँ, हमने ये सबसे बड़ा गुनाह क्या है कि हमने झारखंड में पैदा लिया है, खासकर झारखंड के धरती में दुमका जिला में हमने पैदा लिया है, ये सबसे हमारी बड़ी भूल है। अभी जो झारखंड है काफी विवादों में, ये झारखंड राज्य है, क्योंकि ईडी जो ईडी है ईडी जो है हेमंत सोरेन को समन पे समन भेज रही है, और दूसरी तरफ छात्र जो है काफी परेशान है सीजीएल को लेकर। सीजीएल 8 साल के बाद 2024 में एग्जाम हो रही थी, जिसमें से 28 जनवरी को पहला एग्जाम हुआ और 28 तारीख को जो आंसर था वो पूरा वायरल हो गया। वायरल होने के बाद काफी विवाद हुआ, विवाद में छात्र नेता जितने भी छात्र हैं आंदोलन करने के बाद आज को जीएसएससी के वहाँ पे चेयरमैन है जीएसएससी के द्वारा रद्द कर दिया गया पूरा, जैसे 4 तारीख को एग्जाम था वो भी रद्द कर दिया गया। तो लेकिन इससे ज्यादा नुकसान तो उन छात्रों का हुआ जो सालों से इंतजार कर रहे थे, और इंतजार करते करते बहुत कुछ जैसे कि शादी ब्याह हुआ, यहाँ वहाँ जाना हुआ, इसे त्याग कर दिए थे और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते थे। तो उनको लगता था कि इस बार सीजीएल का एग्जाम हम निकाल लेंगे और बढ़िया तरीके से मेरा जिंदगी चलेगा। हमारे साथ एक छात्र देख सकते हो यहाँ पे, पूरे इसका रूम भी देख सकते हैं, पोस्टर लगाया हुआ, हर चीज का लगाया हुआ, भारत का संविधान है और बहुत सारे ऐसे ऐसे जैसे कि अपना जो तैयारी करते थे उनका लगाया गया था। हम बात करेंगे कि इससे इनसे कितना नुकसान हुआ है, बात करना चाहेंगे और आपको भी दिखाना चाहेंगे। ये जो आपका यहाँ रूम देखे हैं, रूम तो पूरा सजा हुआ है, जैसे भारत का संविधान है और बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज है जिसे देख के ही लगता है कि आप तैयारी बहुत बढ़िया करते होंगे, काफी दिनों से करते होंगे। कब से तैयारी कर रहे हैं? देखिए तैयारी का तो नहीं बोल पाएंगे, कोई एक दिन पढ़ लेता है उसका भी नौकरी हो जाता है, और जो सालों साल पढ़ता है उसका भी नौकरी हो जाता है, तो इस पे हम बात नहीं करना चाहेंगे। लेकिन हाँ, मेरे अनुसार जो मेहनत करता है उसका लगभग कुछ ना कुछ होना चाहिए, कोई ना कोई नौकरी, मतलब संभवतः सबका तो नौकरी नहीं होगा, लेकिन जो मेहनत करता है उसका तो नौकरी होना चाहिएगा। तो इसके अनुसार हम ये कहना चाहेंगे कि हाँ, सचमुच में हमने जेएसएससी के तैयारी की है, सो इस अनुसार हम झारखंड सरकार या आयोग से ये चाहेंगे जरूर कि हाँ होना चाहिए इस बार। जैसे कि आज आपका एग्जाम था 4 तारीख को था, कब था? जी, मेरा एग्जाम 4 तारीख को था, कोडरमा में दिया हुआ था। तो हमने बकायदा गाड़ी का भी बुकिंग कर दिया था, जो कि 4,000 रुपये में बुक था। हमने बहुत मुश्किल से इस भाड़ा का जो किराए, मतलब जो भी भाड़ा था वो हमने बहुत मुश्किल से आप जुगाड़ किए हैं। जी। और आज शायद क्या आज कंफर्म हो गया कि जो सीजीएल एग्जाम था वो कैंसिल कर दिया गया, इसमें आप कैसे लगा कि कैंसिल हुआ तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ? आपका क्या प्रॉब्लम हुआ? देखिए हमने तो बहुत साल मेहनत की है, लेकिन सही मायने में देखें तो ये पढ़ने वाले छात्रों के लिए बहुत दुविधा की बात है कि वो सालों साल मेहनत करते हैं, लेकिन एक रात पढ़ने वाला वो नौकरी लेके जाते हैं। आखिर वो गरीब दुखिया आदिवासी लोग क्या करें, आखिर कहाँ जाए? अब वह सरकार की में ये राज है, दूसरे लोग याद कर रहे हैं। तो हेमंत सोरेन जी आपसे ये नम्र निवेदन है, प्लीज प्लीज आप हमारे आदिवासी भाई बहनों को नौकरी दें, ताकि वो अपना कल का जीवन अच्छा से सुनिश्चित कर पाए। यही तो क्या बोले, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है कि कल का दिन पता नहीं कैसा हो कैसा नहीं हो। क्योंकि आज देखिए आयोग का नोटिस आया कि आज का 4 तारीख का विज्ञापन रद्द हो गया है, उससे पहले 28 तारीख का विज्ञापन एकदम
क्या ही अट्ठाईस तारीख मतलब 28 तारीख का जो एग्जाम था उसमें तो पेपर लीक हो गया था, जिनकी वजह से 4 तारीख का भी कैंसिल करना पड़ा। और बहुत सारे छात्रों का भी मांग था ये, क्योंकि आज छात्र जो है रांची में वहाँ जेएसएससी के ऑफिस के बाहर में पूरा आंदोलन किए, फिर हर जगह भी अलग अलग जगह दुमका में जहाँ आप रहते हैं वहाँ भी आंदोलन हुआ और होने वाला भी है, बहुत सारे बातों के लेके जो जैसे कि जेएसएससी के जो हेड है उनको मतलब बर्खास्त करने की मांग हो रही है, और जेएसएससी को भी बर्खास्त करना यहाँ से मतलब हटाने की मांग है, क्योंकि 8 साल तक नौकरी नहीं हुआ है। लेकिन देखा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है छात्रों का। अभी तक आप 4 साल सरकार का गुजर चुका है, कितना एग्जाम दिए जेएसएससी का? देखिए जेएसएससी तो ऐसे हैं, अब क्या ही बोले जेएसएससी के बारे में। उनके जो चेयरमैन है नीरज सिन्हा, वो पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं, वो तो सबको जानते हैं, उससे कोई बात छुपी नहीं है। लेकिन रही बात छात्रों की, तो इनका जिंदगी भी हमें लगता है कि मेरे अनुसार जैसे मेरा जिंदगी खराब हुआ है, सबका जिंदगी खराब हुआ है। जेएसएससी का तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं सबका जिंदगी खराब हुआ है, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। जैसे कि आपको क्या लगता है कि इस राज्य में जन्म लेना ही मेरे लिए पाप है क्या? क्योंकि क्योंकि अलग राज्य देखिए, पश्चिम बंगाल जाइए वहाँ भी आपको नौकरी मिलेगा राज्य लेवल का जो है, बिहार जाइए बिहार में भी, यूपी में भी बहुत सारा अभी वैकेंसी आ रहा है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा में भी वैकेंसी आ रहा है, और एग्जाम लोग जो है इतना यहाँ जितना प्रॉब्लम हो रही है पेपर लीक ये वो डेट पे डेट वो चीज़ हो रही वहाँ नहीं हो रही है, लेकिन झारखंड में हो रही है। क्या लगता है गुनाह हो गया क्या यहाँ जन्म लेना, यहाँ का तैयारी करना है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की सरकार निकम्मी है। ये पेपर लीक क्या है? सरकार चाहे तो क्या से क्या नहीं कर सकती, ये सरकार को सोचना होगा। हर एक स्टूडेंट को ये सोचना होगा कि सरकार क्या से क्या नहीं कर सकती है। उसको भारत का संविधान ये अधिकार देता है कि वो अपने अधिकार वो सब करे जो केंद्र सरकार करती है, उनके अनुरूप वो कार्य करे। हाँ, रही बात हर एक स्टेट की बात की, तो हाँ हम मानते हैं कि झारखंड सबसे पिछड़ा राज्य है। पिछड़ा बनाया गया क्योंकि यहाँ तो खनिज क्षमता 40% मिलती है, जी कोयला है, बहुत सारे कुछ है, जी जी यही बात लेकिन हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि देखिए जो यहाँ की जो यूरेनियम कोयला सबकी जो भागीदारी है वो केंद्र सरकार की ज्यादा है, झारखंड सरकार की कम है। लेकिन हम मानते हैं कि इसके अनुरूप ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ की जनता इसका व्यय करे। यहाँ की सरकार जो सक्षम है दूसरों के राज्य के तुलना में, खासकर बिहार जैसे राज्य के तुलना में यहाँ की सरकार धनी है, तो उसके अनुसार ये अनुरूप होना चाहिए कि यहाँ की सरकार की बिहार से तो कम से कम बेहतर है, यहाँ की जनता को रोजगार दे, उसको मुहैया कराइए। खासकर जो नियमावली जो 2012 2001 से नियम निलंबित है उसको पूर्ण कराए 2024। आपका सर देखिए हेमंत सोरेन जी, आपसे यही नम्र निवेदन है, 2024 आन पड़ी है। देखिए या इसमें किसी का भी नौकरी नहीं होने वाला है, ना आदिवासी ना नमूलवासी मूलवासी ना और कोई जनरल, किसी का भी नौकरी नहीं होने वाला है ऐसे होने से। तो आपसे नम्र निवेदन है, प्लीज आप सही निर्णय ले, सही डिसीजन ले, यही आपसे नम्र निवेदन है। और अब मान लो जैसे कि आप लगभग 2-4 साल से तैयारी कर रहे हैं जैसे का, क्या कि आपका यहाँ जो सटा हुआ उसी के माध्यम से पता चल रहा है कि आप काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, अगर यदि जैसे में आपका नौकरी ही नहीं हुआ तो ऑप्शन क्या है या फिर क्या करना है? ऐसे ही खाली तैयारी तैयारी तैयारी, अगला सरकार पिछला सरकार ये वो आंदोलन फंदोलन करके जिंदगी जीना है क्या? है क्या करना है आगे, क्या होने वाला है जिंदगी का? कभी आपको लगता है कि मेरे साथ क्या होगा, क्या समझ में आता है? देखिए ये तो आपकी बात सही है, शब्द क्या करें नहीं करें नहीं है भविष्य में, क्या करना शब्द नहीं है। वही तो सबसे बड़ा शब्द है कि क्या करें क्या करें। आखिर इतना पढ़ लिख के जो हम लोग आज बेरोजगार हैं, क्या करें कल दिन अगर नौकरी नहीं हो। ये झारखंड सरकार हम लोग को लोग बेबस करके रख दी है, ना हम कुछ कर सकते हैं ना कुछ करेंगे। हमने तो जिंदगी भर सरकारी सेवा करने की सोची है, अब देखिए झारखंड सरकार हमें क्या मौका देती है नहीं देती है वो तो वही जाने। अब क्या ही करें बताइए, आप ही बताइए हम लोग क्या करें।
आखिर झारखंड में पैदा लेना गुनाह है? तो गुनाह है तो हाँ, हमने ये सबसे बड़ा गुनाह किया है कि हमने झारखंड में पैदा लिया है, खासकर झारखंड के धरती में, दुमका जिला में हमने पैदा लिया है, ये सबसे हमारी बड़ी भूल है। दे सकते हैं, काफी दुखी हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दिया, जहां मौजूद है ये संथाल परगना की धरती है, और संथाल परगना धरती जो है ऐतिहासिक है, और ऐतिहासिक होने के साथ पूरा राज्य भी ऐतिहासिक है यहाँ झारखंड। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ के युवा, यहाँ के छात्र की अभी तक उनको सफलता नहीं मिली, खासकर सरकारी नौकरियां में। और आंदोलन आंदोलन करते करते 3 4 साल, 5 साल, 8 साल बीत गए। 8 साल के बाद सीजीएल का एग्जाम इस बार हुआ, लेकिन हुआ भी काफी विवाद। अब फिर आज रद्द कर दिया गया, जो 4 तारीख एग्जाम था रद्द कर दिया गया। यहाँ के छात्रों की मांग भी थी कि रद्द करना चाहिए, लेकिन अब कब होगी एग्जाम, ये तो क्वेश्चन बनता है, कब यही होगी? तो आपसे सवाल पूछना, आखिर ये पूंजीपति ये लोग, ये सरकार को चलाने वाले लोग, आखिर कब हम लोगों की, हम गरीबों की बात सुनेंगे? आप किसी दिन मार भात खा करके तो देखिए तो साहब, कैसे नसीब होता है आपका, क्या होता है आपकी दुख दर्दी, उस दिन पता चलेगा। किसी दिन आप जमीन में सो करके तो देखिए, उस दिन पता चलेगा आपको गरीबी का एहसास। धन्यवाद। धन्यवाद, यही बात कह के हम अपना वाणी को विराम विराम देना चाहते हैं। धन्यवाद। काफी दुखी है, ये दुखी आपको दिखती होगी चेहरा में, क्योंकि ये अपना ये मन से बात नहीं कर रहे, दिल का आत्मा का जो बात वो बात रख रहे हैं, और काफी नाराज हैं। ये इनका बात नहीं कि ये सिर्फ जो यहाँ पे एक इंसान, एक स्टूडेंट, ये छात्र है, इन्हीं का बात, पूरे झारखंड के आदिवासी मूलवासी के जितने भी ये छात्र हैं, जितने भी तैयारी कर, काफी परेशान है, उनको समझ भी नहीं आता कि आगे का भविष्य क्या है। यहाँ पे काफी परेशानी हुआ, और आप देख सकते, लास्ट आपको दिखाना चाहेंगे ये तैयारी, इसी को देख के आप समझ सकते हैं कि कितना मेहनत करते हैं ये लोग। इसी तरह तमाम खबरों को दिखाते रहेंगे झारखंड की। बने रहिए जवाहर कांड के साथ। धन्यवाद।